मेरा नाम आबिद जमान है, मेरा ताल्लुक पीरब्याई के गांव से है जो जिला नौशहरा में एक बहुत बड़ा गांव है। मैंने पेंटिंग में हिस्सा लिया है, विजुअल आर्ट में। इसमें मैंने दो पेंटिंग जो है ना सबमिट किए हैं। वाटर कलर मीडियम में मैं काम करता हूँ। इसमें मैंने एक कपूर हवेली को शो किया है और एक जो है ना अपने लोकल टोंग आरेस को किया है, जो कि हमारे सराउंडिंग में लोकली लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। गाँव वाले अक्सर जुम्मे के दिन वो रेस लगाते हैं, तो मैंने उनको पोर्ट्रे किया है अपनी पेंटिंग के थ्रू। उसके कल्चर को, उनके जो है ना इंथुजियाज़म को मैंने शो किया है पेंटिंग में। और फिर हमारा जो एक बड़ा शहर है पेशावर, उसमें जो हेरिटेज के हवाले से जितने भी हमारे जो है ना ये मतलब किला हो गया, कपूर हवेली हो गई, दिलीप कुमार का हाउस, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए मैं तो काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पेंटिंग के थ्रू उनको प्रिजर्व किया है और उस कल्चर को और उस आर्किटेक्चर को जो है ना प्रमोट करने के लिए मैंने वाटर पेंट किया है कपूर हवेली को। केपी में रुझान इस वजह से कम है क्योंकि यहाँ में अवेयरनेस नहीं है ना। स्पेशली एक गैलरी होनी चाहिए जिसमें टाइम टू टाइम जो है ना एग्जिबिट होते रही पेंटिंग्स, तो ये बात भी है। दूसरी बात ये क्योंकि हमारा जो है ना सूबा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत शहरों से बहुत इस वजह से पीछे है कि यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्शन नहीं होती इस तरह के काम का। तो अभी माशाल्लाह अबासीन आर्ट्स काउंसिल ने एक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स किया है, तो उसमें जो है ना थ्रू आउट पाकिस्तान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्पेशली केपीके के लिए ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट, जो यहाँ पर अपनी पेंटिंग एग्जिबिट भी करते हैं और सीखने का मौका भी मिलता है। सीनियर टीचर से मिलकर जो है ना वो बहुत काम भी सीखता है और अपने काम को एक्सप्लेन भी करता है। लोगों का रुझान स्पेशली जो फनुल लतीफ़ा से जो वाबस्ता लोग हैं, अब इस तरह उनका रुझान बढ़ रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव एक साइन है केपी के लिए।